नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं समाधान इंडिया। 23 जनवरी 1897 का दौर, एक ऐसा दौर जहां ऐसे जननायक, ऐसे महान क्रांतिकारी बेटा का जन्म हुआ, जिनके पिता लिखते हैं अपने डायरी में, जानकीनाथ बोस अपने डायरी में उन्होंने जिक्र किया है कि आज एक बेटा का जन्म हुआ है। और इसका चर्चा हम आज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो में ट्वीट करके ये संदेश दिया है पूरे भारतवासियों को कि आज एक ऐसे महान शख्सियत का जयंती है जिसको स्मरण करके आज की युवा पीढ़ी को सीखने की ज़रूरत है। देश के राष्ट्रपति ने भी आज सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी है। वैसे में पूरे देश में सुभाष जयंती बड़े ही धूमधाम से और बहुत ही अच्छे तरीके से मनाई जा रही है। हम लोग अभी बेंगाबाद प्रखंड में मौजूद हैं और बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में भी सुभाष जयंती मनाई जा रही है। हम लोगों के साथ यहाँ के प्रखंड प्रमुख रामप्रसाद यादव, उप प्रमुख उपेंद्र कुमार, साथ ही कई पंचायत समिति सदस्य, कुछ वरिष्ठ लोग भी आज यहाँ मौजूद हैं। आज उनको स्मरण करके कुछ संदेश रूपी चीज़ें समाधान इंडिया आप लोगों के समक्ष लेके आएगी। हम लोगों के साथ उप प्रमुख हम लोगों के साथ जुड़े हैं, आज सुभाष जयंती है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आज बेंगाबाद प्रखंड कार्यालय में हम लोगों ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहे हैं एवं आज इनके विचारों को लोगों, बच्चे एवं पूरे समाज के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, इनके विचारों पर आगे चलने का प्रयास करेंगे और चाहेंगे कि इनके विचारों में आगे बढ़कर हम लोग ऊँचे पायदान पर पहुँचें। और यहाँ पूरे झारखंड में आज के दिन बंदी घोषित सरकार द्वारा नहीं की जाती थी, लेकिन इनके आदर्शों को देखते हुए हमारे झारखंड सरकार ने आज का दिन पूरे हर विभाग में छुट्टियां घोषित की है। इसके लिए मैं सरकार को एवं झारखंड सरकार को धन्यवाद देता हूं। निश्चित तौर पे आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे क्रांतिकारी, एक ऐसे जो कटक में जन्मे, उड़ीसा में उनका जन्म हुआ और वो आज पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में जाने जाते हैं। बेंगाबाद प्रखंड प्रमुख रामप्रसाद यादव जी हम लोगों के साथ जुड़े हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन आप? आज पूरे देश में महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस, जिसे पूरा देश और आज की पीढ़ी भी लोग उनको नेताजी के नाम से जानते हैं, आज उनका जयंती हमारे यहाँ प्रखंड मुख्यालय में माननीय हमारे पंचायत समिति सदस्य, हमारे उप प्रमुख साहब एवं अन्य ग्रामीणों के साथ हम लोग मना रहे हैं। और जो हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी थे, उन्होंने भारत की आज़ादी में अहम योगदान किया था। भारत की लड़ाई में इन्होंने प्रथम भारतीय सशस्त्र बल का गठन किया था। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज सशस्त्र सेना का गठन कर अंग्रेज़ों को छक्का छुड़ाने का काम किया था। इन्होंने जय हिंद का नारा देकर युवाओं को प्रोत्साहित और नई ऊर्जा भरने का काम किया था। आज वैसे महान पुरुष नेताजी के जन्मदिन पर उन्हें कोटि कोटि नमन, सत्सन नमन करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पंचायत समिति सदस्य हम लोगों के साथ हैं जी, आप आज के दिन में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आज सुभाष चंद्र बोस जी का हम लोग जयंती मना रहे हैं और हम लोगों ने इनकी बहुत सारी किताबें पढ़ी है, इनके जीवनी के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ी है। भारत में जब स्वतंत्रता की बात आई तो इनकी सबसे अहम भूमिका रही और उसमें इन्होंने नारा दिया था जय हिंद का, और जय हिंद का इन्हीं का नारा दिया हुआ है और इनके द्वारा आज़ाद हिंद फौज का भी गठन किया गया था। मैं आज के नया युवाओं से, नया पीढ़ी से मैं कहना चाहता हूँ, यह संदेश देना चाहता हूँ कि इनके बारे में आप लोग पढ़ें और इनके जो आदर्श विचार है इनको समझने का प्रयास करें और इस पर हम लोगों की चलने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज का दिन बहुत ही खास है, आज का दिन बहुत ही विशेष है, तभी जा करके आज झारखंड सरकार ने भी सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है। इससे पहले भी ये चीज़ें थी लेकिन कहीं ना कहीं इसको फिर रोका गया था और फिर नई सरकार जब बनी है तो नई सरकार ने फिर से
छुट्टी का घोषणा किया है और आज सभी जगह सभी सरकारी संस्थान आज वहाँ पे जो है सो छुट्टी है। ऐसे में आज सुभाष जयंती को पूरे देश बहुत ही उनको स्मरण करके बहुत ही अच्छे तरीके से आज सुभाष जयंती मनाई जा रही है। लेकिन एक अंतिम जाते जाते एक बात समाधान इंडिया भी आपसे कहना चाहती है कि आज आप जय हिंद का नारा जब बोलते हैं या जय हिंद अपने स्वर से आप निकालते हैं तो आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज़ाद हिंद फौज के दौर में जब सुभाष चंद्र बोस के संस्थापक रहे आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके जितने भी टीम में सदस्य थे उनके अंदर का स्वर जब जय हिंद में गूंजता था और एक स्वर में जब मिलता था तो उनके अंदर क्या ऊर्जा रही होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन महेंद्र राज के साथ मैं विकास यादव, बेंगाबाद।